पंजाब सरकार वालों नशिया खिलाफ लगातार जी है सख्ती वधाई गई है। जिला फिरोजपुर की गल करते हैं तो नशिया खिलाफ सब तो वड जी हैगी है रिकवरी करने के कामयाब फिरोजपुर की पुलिस हुई है। इस पुलिस का कामयाब होने का कारण यह है सब तो ज़्यादा जे नशे है जे हूँ तक के नतीजे आए हैं वो जिला फिरोजपुर के ही आए हैं। यादविंदर सिंह जी बाजवा DSP साहब साढ़े नाल ने जिन्होंने बहुत वड्डिया रिकवरिया इस समय फिरोजपुर जिले च कीतियां। बाजवा साहब सब तो पहला सच कहो तो स्वागत है जी। सब तो पहलों ताड़ा मनु इस चाव अपने सच कहो चैनल ताड़े वालों इतने पहुंचने ते ताड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं करीब 2.5 महीने तो पहला ही इस सब डिविजन का जिहड़ा चार्ज संभालिया जिहदे विच दो थाने थाना गुरुवर साहिब ते लखो के बहरा ये दो थाने ये सब डिविजन के आते हैं। जिला फिरोजपुर के SSP साहब सुरेंद्र लांबा जी ने भी करीब 2.5 महीने तो ही चार्ज जिला फिरोजपुर का संभालिया। तुहानू भी महसूस हुंदा आम पब्लिक नू भी महसूस हुंदा नशे वालिया के विरुद्ध बहुत तेजी नाल पुलिस वालों जिहड़ी आ कार्रवाई शुरू की गई है। सब तो वध केस जिहड़े ने हुण तक के पिछले केसां के मुकाबले सब तो वध जिहड़े केस फिरोजपुर जिले के पिछले माह के SSP साहब की रहनुमाई में दर्ज हुए हैं। ये मैं थोड़ा जिहा एक गल तुहानू दसदे हां मेरे वल्लों एक पुलिस दे इंस्पैक्टर ते 3 ASI दे खिलाफ भी गलत परचे दर्ज करन अते पैसे हड़प लैन ते आप अपना घरां दे विच इहो जिहा समान रखने बारे भी एक मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन मेरे वल्लों ये इंचार्ज नारकोटक सैल से हे परमिंदर सिंह बाजवा जो डिसमिस हो चुके नाल उन्होंने 3 ASI से वह भी डिसमिस हो चुके हूँ। उन्हों की भी जी प्राइवेट कोठी के 3700 के करीब नशीलियां गोलियां परमिंदर सिंह बाजवा की कोठी में तो 4 किलो 700 ग्राम जोड़ा नशीला पाउडर मेरे वालों सर्च के दौरान बरामद किया जा चुका तो उन्होंने चारा गिरफ्तार करके जुडिशियल मुक्तसर जेल भेजा जा चुका। गिरफ्तारी जी हुई है बाजवा इंस्पैक्टर जी की गिरफ्तारी होंगी राजस्थान होंगी है अज की डिजिटल इंडिया हैगी पर पुलिस ने जोड़ा पुराना रूप अख्तियार किया परिवार को चक्या उन्हें मैडम लैके आए उस तो बाद इन्वेस्टिगेशन अगे जाती है तो वड्डी सफलता मिलती उन्होंने गिरफ्तारी तो बाद जी पेमेंट हैगी पैसे लै गए वह भी बरामद हो जाते हैं। हाँ जी वो पैसे जोड़े से 30 लाख रुपया वो एक्चुअली वो केस जो ट्रांसफर होकर चला गया विजिलेंस ब्यूरो फिरोजपुर 30 लाख रुपया इंस्पैक्टर बाजवे के कोलों जोड़ा उन्होंने वालों रिकवर करा दिता गया। ये जी तुम वो पत्नी की गल करते हो ये एक्चुअली उन्होंने दूसरी पत्नी सी यदि भी ये इनवॉल्वमेंट तो बाजवे उतों बहर स्टेटा में नाल लैके फिरदे वो विरुद्ध भी जोड़ा उन्होंने नामजद किया गया है जिसनों भी गिरफ्तार किया गया वह भी इस वे जेल के जुडिशियल बंद है। बाकी ये बाजवे तो उधर राजस्थान के गिरफ्तार हो गए थे नाल के 3 जे उन्होंने मैं हमने तो अरैसट किया करीब 1 महीना पहले करीब 1.25 महीना पहले दूजे तेरे होने जे चारे दोषी जे नशे के मिली भुगत रख रहे गलत मलत काम कर रहे थे आप पुलिस के होंदया हो कर रहे उन्होंने खिलाफ बॉर्डर पट्टी हैगा अपना इलाका बॉर्डर पट्टी है तुहाडी लगभग जिथे ड्यूटी है गुरुवर साहिब सारी बैल्ट जी बॉर्डर की पैंदी है पिछले दिन लखो के बहराम के भी ड्रोन जे भी जो है वड्डी सफलता हासिल की कारण रहे जो ड्रोन दी मूवमेंट हुई सी तो मैनू भी उतों BSF वाले ने सूचना दी सी मैं भी अपनी सब डिविजन की फोर्स से होर जिले की फोर्स लैके उन्होंने नाल सर्च के लिए गए सी उतों ड्रोन दे ना दे नाल उत्थे भेजियां गई AK-47 2-3 पिस्टल तो होर जिहड़े असला सीगा रिकवर होया सी।
ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਸ਼ੇ ਗੁਰੂਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅਵਸ਼ 100% ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਨ ਪਿੰਡ ਸ਼ੰਗਰਾ ਤਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ 9 ਬਹਿਰਾਮ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, DSP ਗੁਰੂਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 'ਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਬੂ ਆ ਰਹੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਚ ਕਹੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਮਾਮ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੱਬ ਕੇ ਪਾਓ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।